जी 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 ये प्रकाश यही डालेंगे कि सबसे बड़ा प्रकाश बगल में बैठे हैं तो इससे बड़ा प्रकाश क्यों नहीं। अगर इन्होंने दोबारा सोचा है भोजपुरी सिनेमा को उत्थान देने के लिए और कुछ सोचा है और उसमें हम दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये पूरा साधुवाद इनको जाता है। बहुत कुछ अच्छी कहानी हाथ लगी और संतोष भाई जैसे इनको मैं पंडित जी कहता हूँ, पंडित जी ने सोचा हम दोनों को बहुत, हम लोगों ने जब भी सिनेमा किया वो बहुत ही वो सिनेमा बड़ा पॉपुलर रहा और उसके बाद ये कहानी सुनी और कल रात को मैंने कहानी सुनी ऑनलाइन, बहुत बहुत ही शानदार कहानी। और उसके लिए मधु जी, सुधा जी हैं, सुधा जी को मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि मैं और दिनेश बाबू साथ में वी आर गोना कम टुगेदर। बहुत अच्छा। रवि जी बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो सुनने में आ रहा सौदागर फिल्म से प्रेरित है, आप राजकुमार हैं और ये दिलीप कुमार हैं। अभी बहुत कुछ है, एक बार बताए ये, लेकिन एक आनंद यही है कि बेस्ट पार्ट है कि इस टाइम हम लोगों ने सोचा है कि किसी को एडिटिंग में नहीं जाने देंगे, किसी को बताएंगे नहीं हम लोग शूटिंग पे क्या हो रहा है क्या एग्जैक्टली, तो ये बहुत ही छिपा हुआ खेल होगा। कई सालों के बाद हम दोनों साथ में आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होगा फैंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, दोस्तों के लिए और समस्त हिंदुस्तान के लिए कि दिनेश और रवि साथ आ रहे हैं और संतोष मिश्रा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मैम इसको प्रोड्यूस कर रही हैं और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही आज इससे बड़ा खुशी का दिन, रक्षाबंधन के दिन एक 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 सेलिब्रेशन मैं इसको समझता हूँ। इट्स अ वेरी बिग डे। रवि जी फिल्म विश्व प्रख्यात है, वो भोजपुरी सिनेमा को प्रमोट करती है, तो आपके लिए कितना खास हो जाता है? हम लोगों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। पहले दिलीप साहब आए थे, दिलीप साहब ने हमारे साथ फिल्म बनाई, जीपी साहब आए, अमित जी ज्वाइन किए और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया और फिर प्रियंका चोपड़ा जी आना उनके लिए और वो इंटरनेशनल फेम, शी सच अ पावरफुल और इतनी उम्दा कलाकार हैं, उन्होंने अपना भोजपुरी प्रेम दिखाया बिकॉज आप शी वॉज बॉर्न इन जमशेदपुर, तो वो एक अपना भोजपुरी टच उन्होंने रखा। वो चाहती बॉलीवुड कर सकती, तेलुगु बनाए, मराठी बना सके, बहुत सारा सिनेमा, हम लोगों पर उनका एक बहुत बड़ा एक फेवर कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एहसान है कि इस इंडस्ट्री को लाइमलाइट में रखें जिसको एक बहुत ही छोटी इंडस्ट्री बहुत ओछी नज़र से देखा जाता है। तो मैम आपके आने से लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इट्स बीन वॉच्ड बाय एवरीबॉडी, इट्स बीन टॉक्ड बाय एवरीबॉडी और थैंक यू आपको, जितना आपको हम धन्यवाद दें, थैंक यू सो मच। एंड आई मस्ट से थैंक यू सुधा जी ऑल्सो, शी इज़ माई दीदी एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड कि हम और दिनेश बाबू साथ आएँ एंड पंडित जी, थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। रवि जी आपने अमित जी की बात की, तो आपको नहीं लगता कि अमित जी एक रिप्रेजेंटेशन है उत्तर प्रदेश के, तो उनको अभी भी इन्वॉल्व होना चाहिए भोजपुरी सिनेमा में? ऑफकोर्स यस, अमित जी अगर उनके पास कोई बढ़िया कहानी चले जाए और वो इतने बहुत बिजी रहते हैं वो ज़रूर करेंगे और वाई नॉट, वो ही इज़ ऑलवेज रेडी। जहाँ भी यूपी की बात आए, भोजपुरी की बात आए, जहाँ पर भी इस भाषा की बात आए, इवन अभिषेक बाबू हम लोग रावण फिल्म करते थे जब साथ में, तो अक्सर वो भोजपुरी के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी प्राउड भोजपुरी पीपल, इन लोगों को बड़ा गर्व है कि ये लोग उस माटी से बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम लोग उस माटी से बिलोंग करते हैं और उसको बोलने में या उसमें उससे जुड़ने में हम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं। अभी सोचिए प्रियंका मैम, शी इज़ हाउस होल्ड नेम, न्यूयॉर्क में आप जाएँ, अमेरिका में जाएँ, यूरोप में जाएँ, एवरीवेयर इन अमेरिका जाएँ, हर बेडरूम में, हर घर में वाइट लोगों के बीच में उनकी चर्चा होती है और वो एक भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं। कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है, सो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, मतलब इससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ ग्रेट डे एंड मैं ये पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि ये इतना अच्छा मौका मिला और थैंक यू मैम कि इंडस्ट्री को आप एक बहुत बड़ा बूस्टअप दे रही हैं। नो नो बट दे आर पीपल दे थिंक। रवि जी एंड दिनेश जी आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हॉलीवुड की फिल्में आप लोग कितने देखते हैं और बे वॉच को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं तो बे वॉच का फेवरेट रहा बिकॉज बहुत हॉट हॉट बॉडीज़ देखने को मिलती थी सबकी, सिक्स पैक एट पैक्स वो टाइम पे और यू नो बहुत ही जो नेचुरल है, बहुत कमाल की कहानियाँ होती थी और हमेशा वो बीच से जुड़ी हुई, तो बहुत एक्साइटेड है वो पूरा कंट्री और अभी ज़्यादा बिकॉज प्रियंका मैम है, तो आप सब लोग और ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि शी इज़ कमिंग इन नेगेटिव शेड्स एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कितना बढ़िया परफॉर्म करेंगी। मैं वो प्रियंका मैम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो अब तो हमें देखना ही है और उनकी कोई फिल्म हम नहीं छोड़ते, सारी फिल्में देखते हैं, तो बे वॉच के लिए भी हम लोग एकदम से बेसब्री से इंतज़ार है
कि उसे हम देखेंगे। दिनेश जी, एक आपकी फिल्म अभी अभी रिलीज हुई राम लखन, जी जो दर्शकों ने बहुत सराहा और एक अलग हटके फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी जी, जिसको दर्शकों ने सर्टिफिकेट दिया जी, आप अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं जी, तो क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, और एक नायक होने के नाते मैंने ये अपना जो प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था वो इसीलिए किया था कि मैं किसी और को दोष नहीं देना चाहता था कि भोजपुरी में जो फिल्में बननी चाहिए वो नहीं बन रही हैं, कोई नहीं बना रहा है। कोई नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, और यही सोच के हमने शुरुआत किया था। और जो भी फिल्में मैंने बनाई, औलाद, प्रेम के रोग भइल या अभी राम लखन, उसको खूब लोगों ने सराहा, और ऐसी पारिवारिक फिल्में बनती रहनी चाहिए, और कोई बनाए ना बनाए मैं तो बनाता रहूँगा। ऑफकोर्स इन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की, परिवार की थी इन्होंने ऐसी फिल्में, हम लोगों ने विधाता की थी, हम लोगों ने ये अटेम्प्ट बहुत सालों से किया, बट होता क्या है कि एक आध दो फिल्मों को लेके ही पूरे भोजपुरी सिनेमा की छवि को लेके ऐसे हमने विदाई फिल्म की थी, कन्यादान की थी, ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट पास्ट में भी किए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमारी फिल्म का वही गौना हमारे को भारत सरकार से 2 नेशनल अवार्ड भी मिला था, बट वो क्या, वो एक आध कोई फिल्म आने से सब लोग पकड़ के भोजपुरी को पटक के मारने लगते हैं। हालांकि आतंक मचा है सारी इंडस्ट्री में, हम तो बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम तेलुगु भी करते हैं, हम कन्नड़ा भी करते हैं, बहुत सारा हंगामा वहाँ पे भी, बहुत सारे हॉट गाने वहाँ पे भी हैं, लेकिन जहाँ मिला भोजपुरी मारो पटक के, यार कहाँ रे कहाँ बनो ले तू। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, और मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट भाइयों से पूछता हूँ कि भैया अच्छा एक बार बताइए आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी, तो बहुत कम लोगों को ने फिल्में ही देखी, देखी नहीं फिल्में, और सवाल लेके हमेशा एकदम तीर लेके आज ही मार देंगे जान से टाइप, सब तैयार रहते हैं। बोले अच्छा भैया कौन पिक्चर आखिरी में देख ले रहा, यह बता दा, तो वो ज्ञान है ही नहीं। खैर कितना चैलेंजिंग रहेगा लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए, लोग ये कहते मतलब बिहार सरकार यूपी सरकार मल्टीप्लेक्स में महाराष्ट्र की तरह कंपलसरी कर देगी, उस दिन हमारा सिनेमा सैराट की तरह बढ़ जाएगा, जहां पे हम लोगों को आवक होगी, जिस दिन सिनेमा हॉल में एयर कंडीशन होंगे, वहां चूहे ना घूमते हों सीटों के नीचे, खीले ना निकले हों कुर्सियों पर। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि हम लोग, भगवान है हमारी ऑडियंस, कि ऐसे में भी फटे हुए स्पीकर के साथ भी बैठ के सिनेमा देखती, शर्ट निकाल के हवा मारते रहते हैं, सिर्फ भोजपुरी प्रेम में, हमारे भोजपुरिया स्टारों के प्रेम में, उस बोली के प्रेम में। बट वहाँ पे बिहार, आप लोग हैं, आप लोग सब कुछ करवाते, आप लोग सरकार बदलवा देते हो, आप लोग बहुत शक्तिशाली लोग, बिहार यूपी सरकार महाराष्ट्र में जैसे कर दिया, अगर वैसे कर दे कि कंपलसरी यू हैव टू पुट मल्टीप्लेक्स में, तो और सारे मल्टीप्लेक्सेस बनेंगे, हम लोग का बिजनेस बड़ा होगा, हम लोग की टिकट का आवक बड़ा होगा जैसे तेलुगु इंडस्ट्री का, और हम लोग फिर अच्छी फिल्में बनाएंगे, क्यों नहीं है, जब हम बड़ी दूसरी इंडस्ट्री में काम करके इतना नाम कर रहे हैं, हम श्याम बेनेगल और मणिरत्नम साहब के साथ हम काम करते हैं, तो वही परफॉर्मर मैं हूँ, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, दिनेश बाबू इतने सालों से सुपरस्टार हैं, ये भी आतंक, तो वी ऑल वेटिंग, बट ऐसा हमको भी सैराट बनाना है, और वो तड़प है, वो एक आक्रोश भी है अंदर। ये वो इनका कहना यही रहता है, हम लोग इनसे पूछते हैं कई बार कि जब आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते क्यों नहीं, तो ये कहते हैं कि जिसका काम बोलता है उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लोग मानते हैं इस बात को, इनका काम निश्चित रूप से बोलता है, क्योंकि करीब 10-15 साल से हम लोग साथ में जुड़े हैं, और जितनी फिल्में इन्होंने लिखा है, अब तो डायरेक्शन में अभी आए हैं, जो भी फिल्में इन्होंने लिखा है, फिल्मों ने पूरे सिनेमा को बदल दिया। एक दौर ऐसा चला आ रहा था जब एक ही तरह की फिल्में बन रही थी और उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था, तो वो संतोष जी ही थे जिन्होंने उसमें बदलाव लाया, और आज भी ये बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। आप देख सकते हैं कि आज जब सभी लोग मसाला फिल्में बनाने के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि 3 दिन में हम कैसे पूरी फिल्म की रिकवरी कर लें, ऐसे समय पर संतोष जी एक ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि भारत स्वच्छ होगा, हम इसे स्वच्छ करेंगे, आप आए या ना आए हम तो करने चल दिए हैं। तो रवि जी, 2 दिन पहले आपने बयान दिया था कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मैं आगे बढ़ाऊंगा अपने फिल्म में, इस तरीके का सीन होगा, तो क्या यहाँ देखने? जी, हमने और कोंकणा जी और अमित जी एक अभी ऐड किए हैं,
प्रधानमंत्री साहब की कंगना रनौत, हाँ डोंट लेट हर गो, तो कंगना जी वगैरह हमने ऐड किया, बड़ा पॉपुलर हो गई वो ऐड और प्रदीप दादा ने उसको डायरेक्ट की थी। यस डेफिनेटली स्वच्छ अभियान बहुत ज़रूरी है, हम भारत को साफ होना बहुत ज़रूरी है, गंदगी बहुत है और उससे हैजा मलेरिया और बहुत सारी मृत्यु होती है, हम लोगों को सफाई रखना, और अभी बहुत असर भी हो रहा है, अभी हम लोग पहले उठा के कुछ भी सामान फेंकते थे, अभी हम लोग दो बार सोचते हैं हर आदमी, तो अभी ये दो चार साल में हमको लगता है कि इंडिया में बहुत सारी सफाई होगी और बहुत ज़रूरी है, इंडिया हैज़ टू बी क्लीन, बिकॉज हम जब ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, अभी मैं सिंगापुर में था, वहाँ पे आप एक कचरा फेंकते हो $500 आप पे चार्ज होता है, चुंगम खाओ या सिगरेट पियो, सो ये थोड़ा सा फर्म और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाए ये सब चीज़ों को लेके, तो हम अपना देश बहुत सुंदर देखें।